दोस्तों, मैं कटघोरा पहुंच चुका हूं और बाल भी हेलमेट लगा लगा के थोड़े मुड़ मुड़ गए हैं। सो दोस्तों, अभी हम आगे चलकर होटल पे कहीं पे देखकर, अच्छा जगह देखकर हम यहां से ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे की ओर निकलेंगे। तो अभी हम कटघोरा पे हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये अंबिकापुर लाइन है, और हम पीछे अगर जाते हैं तो इधर से हम बिलासपुर की ओर, रायपुर की ओर निकल सकते हैं। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे। साइड साइड में हाई टेंशन के तार काफ़ी सारे गए हुए हैं, और यहाँ से सामने का जो व्यू है दोस्तों, पहाड़ का इलाका, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। और ये रोड भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ जो यहाँ पे बैरिकेड बनाया गया है सीमेंट कंक्रीट का, वो काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है दोस्तों। और अभी मैं इसी रास्ते में चलता हुआ आगे की ओर जा रहा हूँ। जिस जगह पे मैं हूँ, इस जगह पे काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ का मतलब दृश्य है, तो मैं आपको यहाँ का दृश्य ड्रोन के माध्यम से ऊपर से दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी प्यारा माहौल है दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ की श्रृंखलाएँ हैं, और तो मैं आप लोगों को ड्रोन के माध्यम लोगों ने देखा दोस्तों, अभी मैंने आपको ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर का प्रकृति को दिखाया है, वैसे ही अब आगे की ओर मैं बढ़ चुका हूँ। और आगे और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्पॉट्स है दोस्तों, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। कि ये जो एरिया है वो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे पर्वत की श्रृंखलाएँ दिखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये चोटिया मोड़ है दोस्तों। यहाँ से आप अगर चिरमिरी की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता यहाँ से अपना सकते हैं, और अंबिकापुर के लिए हम यहाँ से सीधा स्ट्रेट की तरफ निकलेंगे। देख सकते हैं कि मैं अभी नदी के ऊपर हूँ, और काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ का आपको व्यू ड्रोन के माध्यम से दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यहाँ की खूबसूरती को मैं आपको ड्रोन के माध्यम से दिखाऊंगा। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, काफ़ी खूबसूरत सा नदी है ये।
इधर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो नदी है, इस नदी का नाम हसदेव नदी है, जो कि कोरिया जिले से निकलती है और कैमूर नामक पर्वत से इसका उद्गम स्थल है और 333 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं, काफी खूबसूरत सा व्यू है। नौ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं अभी आप लोगों को ड्रोन के माध्यम से यहाँ नदी का व्यू दिखवाया हूँ और अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फोटो शूट का एक केंद्र है। दोस्तों जब भी आप अंबिकापुर जाते हैं तो इस जरूर आप एक बार रुकिए और यहाँ के नज़ारे का लुत्फ उठाइए। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी अच्छा है दोस्तों, देखने के लिए आप लोग देख सकते हैं। और अब हम अंबिकापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम ग्राम मोहरगा पहुँचे हैं, जो कि जिला कोरबा के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे मोहरगा के आसपास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे जगह को कवर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और नए नए जगहों का वीडियो भी आप लोग देखते रहिए और लुत्फ उठाते रहिए। तो अभी मैं मोहरगा नामक ग्राम पहुंचा हूं और यहां से मैं आपको अंबिकापुर तक लेकर चल रहा हूं। तो दोस्तों अभी हम जायसवाल होटल के पास आकर रुके हैं और यहां हम ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख सकते दोस्तों, तो अभी हम जायसवाल होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें नाश्ता क्या क्या उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, कड़ा और आलू चाप वगैरह, समोसे वगैरह यहाँ पे देखने के मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आगे की तरफ निकलेंगे। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और काफ़ी स्वादिष्ट यहाँ पे नाश्ता मिला हमें और काफ़ी गर्म नाश्ता मिला है। तो दोस्तों जब भी आप इधर से गुजरे, यहाँ पे एक बार ज़रूर नाश्ता कीजिए और अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आगे की ओर बढ़ चुके हैं और यहाँ से अंबिकापुर की दूरी 80 किलोमीटर और रह गई है। अभी हम आगे रास्ते पे चलते चलते और अच्छे अच्छे प्लेस हैं आप लोगों को दिखाते रहेंगे, तो वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को विशालकाय पर्वत देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों, और उनका दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। दोस्तों अभी हम तारा नामक ग्राम में पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये तारा ग्राम है, जहां से यहां पे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ही एक रास्ता कटा हुआ है। इस रास्ते आप लोग सूरजपुर की तरफ जा सकते हैं और इधर से ही प्रेम नगर, रामानुज नगर और बैकुंठपुर चिरमिरी जाने का भी रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम राइट हैंड वाले रास्ते से उदयपुर लखनपुर क्रॉस करके हम अंबिकापुर की तरफ पहुंचेंगे। दोस्तों वैसे सरगुजा की बात करूं तो यहां पे काफ़ी सारे पहाड़ों की श्रृंखला है और काफ़ी अच्छे अच्छे पर्वत यहां पे देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं, वहां से मुझे काफ़ी खूबसूरत सी एक पहाड़ देखने को मिल रही है। आप लोग भी सामने देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा पहाड़ है, काफ़ी बड़ा विशालकाय पर्वत है और जो कि मैं आपको इस
वीडियो में दिखा रहा हूँ और इस कैमरे के माध्यम से आप इसकी खूबसूरती को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको आगे चलकर ड्रोन के माध्यम से और फोटो के माध्यम से यहाँ का पर्वत श्रृंखला दिखाने वाला हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा पहाड़ देखने को मिल रहा होगा। तो काफ़ी खूबसूरत सा ये पहाड़, देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सा एक स्पॉट सामने दिख रहा होगा आपको। साइड में ही राइट हैंड साइड में झील देखने को मिल रहा है और इधर देखिए पर्वत श्रृंखला काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। दोस्तों आप लोग सामने ही देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा एक व्यू देखने को मिल रहा है, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएँ और साइड से कटी हुई रोड काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है और लेफ्ट हैंड से भी रोड आया हुआ है जो कि मरावी क्षेत्र से होकर आता है। और इधर आप लोग लेफ्ट राइट साइड में देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिल रहा है। ऊपर आसमान नीली नीले आसमान और हल्के हल्के सफ़ेद बादल हैं। और इधर देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रोड वर्क शुरू है, इस वजह से यहाँ का रास्ता ख़राब देखने को मिल रहा है। मैं अभी फाइनली लखनपुर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं अंबिकापुर की तरफ निकलूँगा, जो कि अभी NH30 में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और सामने में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का बस स्टैंड आने वाला है और रोड भी दोस्तों यहाँ से अच्छी होने वाली है। और यहाँ से अंबिकापुर की दूरी मात्र 35 किलोमीटर पे पहुँच मार्ग है वहाँ का। और आगे चलकर मैं और अच्छे अच्छे जगह आप लोग को दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों ये लखनपुर का मैं बस स्टॉप इंटर कर चुका हूँ और एक बार अंदर चलकर मैं आप लोगों को यहाँ का बस स्टैंड दिखाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं बस स्टैंड आ गया हूँ और ये देखिए यहाँ का ये बस स्टॉप है और यहाँ से हम 130 नेशनल हाईवे पे निकलकर वापस अंबिकापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों अंबिकापुर से 10 किलोमीटर स्पेस और रह गए हैं। फाइनली गाइस मैं अभी अंबिकापुर पहुंचने वाला हूं और अभी मैं अंबिकापुर के आउटर साइड स्टेशन पे ड्राइव कर रहा हूं बाइक। और सामने में आप लोग बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, नगर पालिका निगम अंबिकापुर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां से बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि यहाँ से रायगढ़ 183 किलोमीटर, रांची 310, रामानुजगंज 110 और महेंद्रगढ़ 110 किलोमीटर की दूरी पे है।
चेतना उद्यान जो कि काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है। यहाँ भी दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर जरूर आऊँगा अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों अभी जिस जगह पे हैं हम, इसे बिलासपुर रोड कहा जाता है और यहाँ से करीबन 250 मीटर की दूरी पे हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता लेकर अंबिकापुर सिटी की तरफ जाना है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों रोड में काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। दोस्तों अंबिकापुर ही एक ऐसा लास्ट का स्टेशन है जो कि इधर से एमपी और आगे से झारखंड और राइट हैंड साइड वाले रास्ते से उड़ीसा को जोड़ता है। रोड बनाने के लिए पेड़ कटिंग का कार्य चल रहा है जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो गई है, क्योंकि दोस्तों ये रोड जो है उदयपुर तक काफ़ी अच्छे तरीके से बना दिया गया है, बट अंबिकापुर और लखनपुर से अंबिकापुर तक के रास्ते में ये रोड की मरम्मत का कार्य चल रहा है, नया रोड बनाने का कार्य चल रहा है, जिस कारण थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक और ख़राब रोड का सामना करना पड़ता है। हाँ दोस्तों मैं बिलासपुर चौक पहुँच चुका हूँ और अंबिकापुर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर और तेज़ बची हुई है। राइट हैंड साइड का रास्ता लेकर हम आगे बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो राइट साइड में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे अगर आप अंबिकापुर आ रहे हैं तो आपके रुकने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ अंबिकापुर का बस स्टॉप, जो कि यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पे है। सामने में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बस स्टैंड का बोर्ड भी लगा हुआ है और काफ़ी सारी यहाँ पे आपको होटलें भी मिल जाएंगी किनारे किनारे में, जिसमें आपके अच्छे रुकने की व्यवस्था हो सकती है। तो राइट हैंड साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टैंड लिखा हुआ है और यहीं राइट हैंड साइड में बस स्टैंड है जो कि मैं आपको अंदर की ओर लेकर चल रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बस स्टैंड है और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको झारखंड, बिहार, बनारस, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर आदि सभी जगह जाने के लिए आपको यहाँ पे से बसेस मिल जाती हैं और यहाँ पे बस का स्टैंड का रिनोवेशन का कार्य चालू है। मैं आप लोगों को आगे से निकास द्वार से यहाँ का बस स्टैंड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अभी बस स्टैंड के अंदर जा रहा हूँ दोस्तों। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ का बस स्टैंड है और काफ़ी सारी यहाँ पे बसेस भी लगी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। रांची जाने के लिए, गुमला जाने के लिए आदि जगह, सब जगह जाने के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाती है। ना दोस्तों अब मैं बस स्टैंड से बाहर निकलकर आप लोगों को गांधी चौक की तरफ लेकर चल रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गांधी चौक पहुंच चुके हैं और आज की मेरी वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको अंबिकापुर के बाकी सारे और अच्छे अच्छे स्पॉट दिखाता रहूँगा, तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।